नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, पूरे पूरे 1.5 साल के बाद में इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट हुई। जी हाँ, 1.5 साल के बाद में। हालांकि कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में इतने वीज़ा इतने मेरे पास आए कि आप सोच नहीं सकते। अब वो किधर से भेजने वाले तो कहाँ थे, लेकिन वीज़ा लोग निकल रहे थे, वो एक अलग मैटर है। जो फ्रॉडबाजी होती है सबको पता ही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइटों के बारे में बात करेंगे। फ़्लाइटों की अनुमानित रेट पैसा कितना लग रहा है, जी हाँ कौन लोग जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ देने की कोशिश करूंगा। जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो वीडियो को भाई पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, बता दूं साथियों, पिछले 1.5 सालों से अभी फ़्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं। अगर इंडिया में बात करें तो भाई मंगलवार से फ़्लाइटें स्टार्ट हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। कोच्ची, बॉम्बे, चेन्नई, अहमदाबाद, जी हाँ यहाँ से फ़्लाइटें, जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ से फ़्लाइटें स्टार्ट की गई हैं। जी हाँ, हालांकि पता है आपको कि भाई पहले कुवैत सरकार ने बोला था कोटा सिस्टम हम करेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है। इंक्रीज का मतलब होता है कि भाई कोटा सप्ताह, एक सप्ते में यानी 7 दिन में लगभग 5 से 5.5 हज़ार यात्री यानी इंडियन लोग कुवैत पहुंचेंगे एक सप्ते में। अगर 4 सप्ते की बात करें तो भाई ठीक है, 20-22 हज़ार लोग अगर पर मंथ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर भी भाई लोगों का नंबर धीरे आएगा और इस वजह से टिकटों की वेटिंग पीरियड बढ़ेगा, टिकटों की प्राइस बढ़ने वाली है अगर सितंबर महीने में बात करें तो। जी हाँ, अगर देखा जाए तो एक दिन में 5 फ्लाइटें इंडिया से ऑपरेट होंगी कुवैत के लिए, और पाकिस्तान से अगर बात करें तो 1 या 2 फ्लाइटें ऑपरेट होगी कुवैत के लिए। जी हाँ, अगर अभी यहाँ पर प्राइस की बात करें तो एक अनुमानित आंकड़ा है, मैं कोई श्योरिटी नहीं ले सकता, कोई गारंटी नहीं है। मेरे को किसी बंदे ने व्हाट्सअप किया था, बोला सर ये इतना इतना पैसा लग रहा है। हालांकि कई जगह बहुत सस्ते में टिकट बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं भाई, इसका ऑप्शन तो मैं आगे आपको और बताऊंगा। अभी देखिए, अहमदाबाद से कुवैत की फ़्लाइट के बारे में मेरे पास किसी बंदे ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है। अगर बात करें 11 सितंबर, जी हाँ 11 सितंबर की टिकट आ रही है अहमदाबाद से, गुजरात से बता दूं कुवैत के लिए 1,15,000 में। जी हाँ, और 18 सितंबर की टिकट भी सेम है, 1,15,000 समथिंग आ रही है। जी हाँ, और 25 सितंबर की टिकट आ रही है भाई 1,05,000 रुपये, यानी 25 सितंबर में 10,000 का डिफरेंस आ गया। अक्टूबर, ये सितंबर चल रहा है, अगले महीने में अक्टूबर में 100% टिकटों के भाव गिरेंगे। मेरे हिसाब से आधे में टिकट आ जाएगी, आधे से कम में भी आ सकती है जी, क्योंकि अभी यात्री भार यानी जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है। इसका मतलब अगले जो मंथ में अक्टूबर की बात करें तो फ़्लाइटें सस्ती होने वाली है। जी हाँ, अभी आपको पता है कि भाई जो जिनके वीज़ा वैलिड हैं वही लोग जा सकते हैं, या तो नए वीज़ा वाले जो वर्कर से होम वर्कर हैं वो जा सकते हैं, या फिर जिनके वीज़ा वैलिड हैं, खामा वैलिड हैं, आप सबको पता है वो लोग जा सकते हैं। आप सबको होना चाहिए इस बात का। अगर देखिए आपको जल्दी नहीं है तो आप अक्टूबर मंथ में फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको टिकटों में प्राइस 100% कम होंगे, 40,000 के समथिंग ये टिकट के भाव आ सकते हैं। हालांकि टिकटें अभी महंगी हैं, बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो एक आम आदमी के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई आप 1,00,000 रुपये से ऊपर, यानी आप मान के चलिए 1.5 लाख का खर्चा आने वाला है, क्योंकि टिकटों के साथ में और भी बहुत कुछ होता है। आपका रैपिड टेस्ट भी होगा, आपका RT-PCR टेस्ट भी होता है यार, 8-10 हज़ार रुपये तो वो लग जाएंगे आपके। उसके बाद आपका चार्ज और एक्स्ट्रा भी खर्चे होते हैं। 1.5 लाख रुपये डायरेक्ट इंडिया से कुवैत जाने का खर्चा आ रहा है, आप सोचिए थोड़ा सा। और वही आप इनडायरेक्ट जब जा रहे थे तब भी इतना ही खर्चा आ रहा था, तो फिर भी फ़्लाइटें ओपन होने का मतलब क्या है, सोचने की बात है ना। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि आप दुबई होके जाओगे तो सस्ती टिकट पड़ेगी। बाकी ये कन्फर्म कर लें भाई, मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी मुझे कन्फर्म नहीं है। आप जब भी टिकट बनाने से पहले 10 जगह ट्राई करें, कम से कम 10 जगह, जी हाँ, कि इंडिया से कौन से शहर से टिकट कब सस्ती मिले उसके हिसाब से टिकट बनाएं, एडवांस में बुकिंग कर लें पहले 15-20 दिन पहले, तो टिकट सस्ती आने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप दुबई होके कुवैत जाते हैं या थर्ड कंट्री, अब जैसे सऊदी ने दुबई को लिस्ट से जो बैन किया हुआ था उसको हटा दिया, तो बहुत सारे लोग जो दुबई होके सऊदी भी जा रहे हैं, तो इस तरह से आप कोई वाया थर्ड कंट्री जाते हैं तो भी मुझे लगता है कि सस्ती पड़ने वाली है। यहाँ तो बहुत महंगा टिकटों का भाव आ रहा है। हालांकि कई जगह लोग मुझे सर 38,000 में टिकट मिल रही है कुवैत की, 35,000 में मिल रही है, इसको कन्फर्म कर लें। बाकी कुवैत की टिकट महंगी है आपकी सोच से ज़्यादा। जी हाँ, एक न्यूज़ में अभी देख रहा था 112% टिकटों के भाव ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 112% कम नहीं होते भाई, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन हुई है अभी भी बता दूं, और मिस्र से रविवार को फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी है, मिस्र के लोग ज़्यादा आएंगे। इंडिया की बात करें तो लगभग 5,500 के समथिंग रोज़
5-7 दिन में लोग पहुंचेंगे, लेकिन मिस्र के लोग ज़्यादा जाएंगे, 10,000 लोग एक सप्ते में पहुंचेंगे। हालांकि और बहुत सारे देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, उनकी फ़्लाइटें अभी सस्पेंस में हैं, अभी उनकी फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं हुई है, उनके भी चांसेस हैं फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है 18 साल से कम उम्र के हैं उनको वैक्सीन से छूट दी गई है, लेकिन उनको वहाँ पहुँचने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, केवल वैध वीज़ा वाले जिनके वर्क परमिट वीज़ा वैलिड हैं वही लोग जा पाते हैं। अगर आप घरेलू वर्कर की जॉब में जाते हैं तो भाई उनको टीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोविशील्ड का जो भी टीका है वो बिना टीके आप जा सकते हैं। वहाँ पे उनको जाने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जी आपको बता भाई, कुवैत जाने के लिए 72 घंटे का आपको PCR टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई है। अच्छी बात है, 72 घंटे ठीक है भाई, दुबई का तो फिर भी 48 आवर्स है, बहुत कम है, उनका 72 घंटे है। और 2 ऐप हैं भाई कुवैत के, मुसाफिर और सलोनिक, वो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होने चाहिए, एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस हैं। और बेस्ट ऑप्शन है कि भाई जहाँ से टिकट बनवाए ना एजेंसी से, उसी को बोल भाई 500,000 ज़्यादा ले, मेरा तो काम तू ही कर दे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आसानी से आपका काम प्रोसेस हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लेबर वर्क के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है क्या करें क्या नहीं करें, जाने से 48 घंटे पहले करें कि 24 घंटे पहले करें, बहुत सारी कंडीशनें फेरबदल होती रहती हैं, तो सावधानी पूर्वक आपको इसमें ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, अगर कुवैत में आपने एक टीका लगवाया तो उन्हें भाई 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर क्वारंटाइन नहीं रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट अगर आपके पक्ष में आ जाती है, ठीक है जी, निगेटिव आ जाती है, तो आपको डायरेक्ट छुट्टी, आप यानी घर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, किसी भी रिलेटेड जिससे रिलेटेड आप जाना चाहते हैं। जी हाँ, तो भाई ये अच्छी बात है, कुवैत की फ़्लाइटें ओपन हो चुकी हैं। सऊदी का अभी हम और भी इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो कुवैत जाने वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है भाई, आप तैयारी हो जाए, धीरे धीरे अपडेट अच्छे आते रहेंगे, सहूलियत मिलती रहेगी, नए वीज़ा से रिलेटेड, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनसे रिलेटेड, या और भी बहुत सारी सहूलियत, जैसे जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी जो अच्छी वाली, वो तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी छोटी मोटी न्यूज़ का तो आप लोगों को क्या बताने की ज़रूरत है भाई, जिनको फ़्लाइट से रिलेटेड है उनको फ़्लाइट की न्यूज़ चाहिए होती है। जी हाँ, वीज़ा से रिलेटेड वगैरह जैसे कोई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस आज की अपडेट ये थी साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।